आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में, जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हमें फाइंड करना होता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द पॉइंट जेड वन एंड जेड टू इन ए कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो सपोज करिए कि ये कोई एक प्लेन है, कॉम्प्लेक्स प्लेन, जिसमें कोई एक लाइन है, एक जेड वन है और दूसरा पॉइंट है जेड टू, और इसके बीच में हम सपोज करते हैं कोई एक नया पॉइंट Z पर। सो इसका आर्गुमेंट जो होगा वो थीटा इक्वल आर्गुमेंट Z माइनस जेड वन अपॉन जेड वन माइनस जेड टू, और इसकी वैल्यू आती है ज़ीरो या पाई। अगर हम इस लाइन के थ्रू लेंगे तो ज़ीरो डिग्री आएगा, टोटल करेंगे तो पाई, और ये वैल्यू एक रियल है। तो अगर इसकी वैल्यू रियल है, इसका मतलब ये है कि इसका कंजुगेट भी सेम होगा, क्योंकि हर एक रियल, हम जानते हैं कि हर रियल क्वांटिटी का कंजुगेट हमेशा सेम होता है। तो हम लिख सकते हैं इस तरह से, z माइनस जेड वन अपॉन जेड वन माइनस जेड टू इक्वल जेड बार, जिस जेड का कंजुगेट माइनस जेड वन का कंजुगेट, इधर जेड वन का कंजुगेट माइनस जेड टू का कंजुगेट। अब सिंपली इसको सिंप्लीफाई करना है। सो z माइनस जेड वन इंटू जेड वन बार माइनस जेड टू बार, जेड बार जेड वन बार, जेड वन माइनस जेड टू ऑन मल्टीप्लाइंग जेड, जेड वन बार माइनस जेड टू बार माइनस जेड वन, जेड वन बार माइनस जेड टू बार, एंड दिस इज इक्वल जेड बार जेड वन माइनस जेड टू माइनस जेड वन बार, जेड वन माइनस जेड टू। नाउ आफ्टर रीअरेंजिंग वी कैन राइट एज जेड जेड वन बार माइनस जेड टू बार एंड माइनस जेड बार जेड वन माइनस जेड टू, और इस टर्म को उस साइड, सो दिस बिकम्स प्लस जेड वन, जेड वन बार माइनस z2 बार माइनस z1 बार, z1 माइनस z2। क्लियर? सो दिस विल गिव z, z1 bar minus z2 bar minus z bar z1 minus z2 and plus minus z1, z1 bar plus z1 z2 bar minus z1 bar z1 plus z1 बार z2। तो यहाँ पे कुछ टर्म कैंसिल होगा, कैंसिल नहीं हो रहा, इक्वल टू ज़ीरो। z, z1 बार माइनस z2 बार, z बार z1 माइनस z2, this is two times z1 z1 bar z1 z1 bar and z1 z2, so z1 minus z1, so this will become plus, so these two are cancel, so z1 z2 bar plus z1 bar z2 bar. Minus minus z2 z1 so this sign is minus z1 z2 z2 z1
So this is the equation of a straight line in a complex plane. Now we can find the general equation of a straight line. General equation of a straight line. By using above equation. So this is the equation of a straight line. So general equation के लिए हम क्या करते हैं, इसमें दोनों साइड में I से मल्टीप्लाई करेंगे. So this will become I z1 bar minus z2 bar minus z bar. Here is I z1 minus z2 plus I z1 z2 bar minus z1 bar z2 equal to 0. So now if we suppose A is equal to z1 bar minus z2 bar, A minus I, this is minus I and z1 minus z2. So this term I and this term, so conjugate of this term is A star, or we can use as a bar. So this is equal to I and z1 bar minus z2 bar. From this relation, conjugate of minus I is I, z1 ka conjugate z1 bar, z2 ka conjugate z2 bar. तो हम इसे पुट करेंगे यहाँ पर, तो आई आई और जेड वन बार माइनस जेड टू बार. सो दिस आई कैन राइट एज अ जेड ए माइनस, सो ये प्लस हो जाएगा ए जेड बार एंड प्लस आई जेड वन जेड टू बार माइनस जेड वन बार जेड टू. This is equal 0. So here z1 into z2 bar is a real quantity, is a z1 is a x plus iy and x minus iy, so this is a real. So this term is z1 z2 bar minus z1 bar z2 is a purely imaginary. So I times z1 z2 bar minus z1 bar z2 must be real. So we take as a C any constant or real quantity. So above relation can be written as, this is A bar, so Z A bar plus A Z bar plus C equal to 0. So this is the general equation of a straight line. This equation is a general equation of a straight line. So this is all about for this video.
थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू.